क्या आप जानते हैं कि सोना किस दिशा में रखने से आपके घर में सुख समृद्धि और बरकत आ सकती है? अगर नहीं तो आज हम आपको बताएंगे कि सोना रखने की सही दिशा क्या होती है और इससे जुड़े कुछ महत्वपूर्ण नियम। सोना एक ऐसी धातु जिसे हर घर में थोड़ा या अधिक मात्रा में लोग अपने लॉकर में रखते हैं। लेकिन क्या आप जानते हैं कि सोना रखने की सही दिशा क्या होनी चाहिए? झारखंड की राजधानी रांची के ज्योतिषाचार्य संतोष कुमार चौबे, जो रांची यूनिवर्सिटी से ज्योतिष शास्त्र में गोल्ड मेडलिस्ट हैं, उन्होंने बताया है कि सोना रखने के कुछ नियम होते हैं। दरअसल सोना पीला और बहुत ही शुद्ध धातु होता है जिसमें लक्ष्मी जी का वास होता है, इसलिए इसे किसी भी दिशा में नहीं रखना चाहिए। गलत दिशा में रखने से इसका विपरीत प्रभाव घर में पड़ सकता है। सोना रखने की सबसे उत्तम दिशा है उत्तर पूर्व दिशा, जिसे ईशान कोण दिशा भी कहा जाता है। यह दिशा पवित्र मानी जाती है क्योंकि इसमें बृहस्पति भगवान का वास होता है, जिन्हें पीली चीजें बहुत प्यारी होती हैं। सोना भी पीला और शुद्ध होता है, इसलिए जब आप इसे इस दिशा में रखते हैं तो वहाँ बृहस्पति स्थापित हो जाते हैं। देखिए, सोना रखने के लिए तो सबसे शुभ जो दिशा होता है वो ईशान कोण होता है, नॉर्थ ईस्ट होता है, चूंकि बृहस्पति देवता का स्थान होता है। और दूसरा कहीं घर में रख सकते हैं तो दक्षिण पश्चिम और पश्चिम के बीच का स्थान जो होता है, ठीक है। तो सोना रखने के लिए सबसे अच्छा स्थान ईशान कोण होता है, क्योंकि वहाँ बृहस्पति स्थापित हो जाएंगे, वो उस धातु का वहाँ पे सबसे ज्यादा सकारात्मकता मिलेगा। उत्तर दिशा सेकंड स्थान पे आप रख सकते हैं। बृहस्पति के स्थापित होने से आपके घर में सुख समृद्धि और ज्ञान की कमी नहीं रहती। घर में सकारात्मक ऊर्जा का वास होता है और आलस व बीमारी जैसी चीजें घर में नहीं टिकती। यह दिशा सोना रखने के लिए सबसे पवित्र और उत्तम मानी जाती है। इसके अलावा दूसरी शुभ दिशा है दक्षिण पश्चिम। वास्तु शास्त्र के अनुसार यह दिशा सेविंग्स की होती है। यहाँ रखी चीजें जल्दी खर्च नहीं होती और लंबे समय तक टिकती हैं। इसलिए अगर आप सोना इस दिशा में रखते हैं तो यह लंबे समय तक सुरक्षित रहेगा। वहाँ पे जो होता है सेविंग का स्थान होता है, तो जो भी बचाने वाला चीज है, कैश हो गया, तिजोरी हो गया, आभूषण हो गया, तो वहाँ पे भी बहुत ज्यादा जो है लाभकारी होता है, क्योंकि वो आपकी प्रॉपर्टी को सुरक्षित करने वाला स्थान है, वृद्धि देने वाला स्थान है। लेकिन आपने बृहस्पति वाले जो कहा वो तो बृहस्पति का तो बृहस्पति का क्या कॉन्टेक्ट है सोने से? मतलब बृहस्पति का स्थान होता है घर में जो है ईशान कोण। तो जैसे जब हम ईशान कोण में कोई देवता का फोटो रखते हैं, धार्मिक पुस्तक रखते हैं, तो वो पीला रंग रखते हैं, तो बृहस्पति उसे बृहस्पति स्थापित होते हैं। तो सोना ईशान कोण में उत्तर दिशा तो इसे लाभ क्या होता है अगर इस दिशा में हम रखे तो? तीसरी दिशा है उत्तर दिशा, जो माता लक्ष्मी और कुबेर जी का घर माना जाता है। इस दिशा में सोने के आभूषण रखने से घर में सकारात्मक ऊर्जा का वास होता है, कुबेर जी खुश होते हैं और सोने चांदी के आभूषणों की कभी कमी नहीं रहती, यश और वैभव बना रहता है। इन तीनों दिशाओं में से किसी एक में भी सोने के आभूषण रखने से घर में सुख और समृद्धि का वास होगा। लेकिन ध्यान रहे, किसी और दिशा में सोना रखने से नकारात्मक ऊर्जा का घर में वास हो सकता है। सबसे बड़ी बात है कोई भी चीज रख करके वहाँ का सकारात्मक फल देगा, मतलब उस मेटल का प्रभाव जो है व्यक्ति के जीवन में पड़ेगा, क्योंकि बृहस्पति वो स्थापित हो गए। जैसे बृहस्पति को स्थापित करने के लिए आप धार्मिक पुस्तक भी रख सकते हैं, सोना को भी रख सकते हैं, ठीक है, किसी देवी देवता का फोटो भी रख सकते हैं, तो उससे बृहस्पति हमारा जो है सकारात्मक हो जाते हैं। और उत्तर दिशा और पश्चिम दक्षिण पश्चिम के बीच का जो स्थान होता है वहाँ पे रख दीजिएगा तो शुभ रहेगा। तो दोस्तों, यह थी जानकारी सोना रखने की सही दिशा और इसके फायदों के बारे में। अपने घर में सुख और समृद्धि लाने के लिए इन नियमों का पालन करें। लोकल 18 के लिए रांची से शिखा श्रेया की रिपोर्ट।